नमस्कार दोस्तों, हम सब डेथ यानी कि मौत से भली भांति परिचित हैं। दुनिया में जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है। सपोज आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, आपने उसकी डेड बॉडी अपनी आंखों से देखी है, पर वो व्यक्ति कुछ हफ्तों बाद आपके घर के दरवाजे पर आपको खड़ा मिले, तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? वो आपका प्रिय है, आप आगे बढ़कर उसे गले लगाएंगे या डर के मारे उससे दूर भागेंगे? ऐसे ही कुछ परिस्थिति दिल्ली के रहने वाले एक परिवार के सामने आई। ये कहानी उसी परिवार और उसी मौत की है। दिल्ली के समयपुर बदली की एक बस्ती में एक रात को 10 चोरों का एक गैंग चोरी करने के मकसद से गया, पर बस्ती के लोग उनसे ज्यादा चालाक थे। बस्ती वालों को पता चल गया और सबने उन 10 लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक बंदा बस्ती वालों के हाथ लग गया। बस्ती वालों ने उसको जम के मारा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, पर उस चोर ने उसी रात को दम तोड़ दिया। पुलिस ने उसकी पहचान करी तो पता चला कि वो उस बस्ती से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक दूसरी बस्ती का रहने वाला था। उसकी फैमिली वालों को बुलाया जाता है। चेहरे पर चोट के काफी गहरे निशान थे। परिवार वालों ने उसका चेहरा देखा, उसके कपड़े देखे, उसकी एक कटी हुई उंगली तथा उसके पैर में पुरानी एक चोट का निशान देखा। उसकी पहचान धर्म सिंह के नाम से हुई। धर्म सिंह की फैमिली को उसकी लाश सौंप दी जाती है। अगले दिन उसके परिवार वालों ने उसका पूरे नियम के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार में उसके मोहल्ले वाले तथा उसके सारे रिलेटिव मौजूद थे। परिवार वालों ने उसकी 13वीं भी करवा दी। 13 दिन के शोक के बाद परिवार वाले मृत व्यक्ति के नाम से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भोज का आयोजन करते हैं। इसे 13वीं कहा जाता है। पूरा परिवार धीरे धीरे धर्म सिंह के जाने के गम से उबर रहा था। इसके लगभग 30 दिन बाद अचानक एक दिन सुबह सुबह उस परिवार के घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। धर्म सिंह की पत्नी दरवाजा खोलती है। उसके सामने धर्म सिंह खुद खड़ा था। उसकी पत्नी वहीं बेहोश हो जाती है। पीछे पीछे धर्म सिंह के बेटे गेट पर आते हैं। उनकी उम्र कुछ 5 या 7 साल रही होगी। वो अपने पापा को देखकर डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। धर्म सिंह का भाई भी उसी मोहल्ले में रहता था। इस बात की खबर मिलते ही वो भागा भागा धर्म सिंह के घर पहुंचता है। धर्म सिंह को अब भी घर में घुसने नहीं दिया गया था। वो घर के बाहर ही एक खटिया पर बैठा हुआ था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था, पर हर कोई उससे 10 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था, पर साथ ही साथ उससे डर भी रहा था। धर्म सिंह भूत नहीं है ये ही समझाने में उसे 2 घंटे बीत गए। धर्म सिंह ने बताया कि वो अपने मालिक का ट्रक लेकर आसाम गया था माल डिलीवर करने। आसाम निकलने से 2 दिन पहले धर्म सिंह की अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो किसी को बिना बताए आसाम निकल गया। वो कुछ दिन अपने परिवार वालों से दूर रहना चाहता था। आसाम से वापस आने के बाद धर्म सिंह ने पहले ट्रक अपने मालिक के यहां पहुंचाया, मालिक से पैसों का हिसाब किताब किया और अपनी मेहनत के पैसे लेके वापस घर आया। उसने आसाम जाने और आने के टाइम रास्ते में अपने मोबाइल में बहुत सारी पिक लिए थे। वो सब उसने अपने घर वालों को दिखाए। रास्ते भर खाने पीने पर किए गए खर्चे की रिसिप्ट दिखाई, जिसकी कॉपी उसने अपने मालिक को भी दी थी पैसों के हिसाब किताब के लिए। उसके पास अलग अलग टोल नाके पर पेमेंट के रिसिप्ट भी थे। पुलिस को धर्म सिंह के वापस आने की खबर मिली। उस रात में बस्ती में हुई चोरी का केस अब भी जिंदा था, इसलिए
पुलिस ने भी अपने लेवल पर धर्म सिंह की सारी बात चेक करी और धर्म सिंह द्वारा बताई गई एक एक बात सच साबित हुई। पुलिस इस बात को लेकर परेशान थी कि जिस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार धर्म सिंह के परिवार वालों ने किया है वो बॉडी किसकी थी। उस बॉडी की तस्वीर भी न्यूज़पेपर में छापी गई पर कोई भी उसको जानने वाला सामने नहीं आया। वो डेड बॉडी की असली जानकारी आज भी पुलिस के पास नहीं है। तो ये थी अपने अंतिम संस्कार के बाद घर वापस लौटे धर्म सिंह की कहानी। कृपया हमें फॉलो और इस कहानी को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।